एक एप्लीकेशन जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, एक एप्लीकेशन जिस पर अकाउंट बनाकर तमाम मंत्री नेता उसका प्रचार कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन जिसे ट्विटर का देसी वर्जन कहा जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कू ऐप की। कू, KOO। इस ऐप से जुड़े तमाम सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब देने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कू ऐप है क्या। कू ऐप ट्विटर की तरह ही एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जिसमें आप किसी को फॉलो कर सकते हैं और कोई आपको फॉलो कर सकता है। इसमें आप मैसेज लिखकर शेयर कर सकते हैं। आपके पास फोटो वीडियो शेयर करने का भी ऑप्शन होगा। कू पर आप अपने विचार 400 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे बेंगलुरु की बॉम्बी नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। ऐप के बारे में कू की वेबसाइट पर लिखा है, भारत में सिर्फ 10% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। करीब 100 करोड़ लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। उनके हाथ में मोबाइल फोन आ रहा है, लेकिन इंटरनेट पर ज्यादातर चीजें अंग्रेजी में हैं। कू की कोशिश है कि भारतीयों की आवाज सुनी जाए। क्या सरकार और ट्विटर के बीच विवादों के नतीजे के तौर पर कू ऐप की चर्चा होने लगी है? 9 फरवरी को समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि भारत सरकार ने ट्विटर को कथित पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों से संबंधित 1178 ट्विटर अकाउंट बंद करने का आदेश दिया है, जो किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर गलत सूचना और उत्तेजक सामग्री फैलाते रहे हैं। बताया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 फरवरी को इन ट्विटर अकाउंट्स की एक सूची साझा की थी। इन अकाउंट्स की पहचान सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तान समर्थक या पाकिस्तान द्वारा समर्थित और विदेशी धरती से संचालित होने वाले अकाउंट्स के तौर पर की थी, जिनसे किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। इससे पहले सरकार ने ट्विटर को उन हैंडल्स और हैशटैग्स को हटाने का आदेश दिया था, जिनमें दावा किया गया था कि किसान नरसंहार की योजना बनाई जा रही है। सरकार ने कहा था कि इस तरह की गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करेगी। 10 फरवरी को ट्विटर ने अपने एक आधिकारिक ब्लॉग में लिखा है कि कंपनी ने 500 से अधिक ट्विटर अकाउंट्स को निलंबित कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से स्पैम की श्रेणी में आते थे और प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है, खास तौर पर उनके खिलाफ जो हिंसा, दुर्व्यवहार और धमकियों से भरे हुए थे। इसके साथ ही कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ ट्रेंड्स पर भी रोक लगाई है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने इस ब्लॉग में यह लिखा है कि कंपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में है, और हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस आधार पर ट्विटर अकाउंट्स बंद करने को कहा, वो भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। इसके जवाब में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में लिखा है, ट्विटर के अनुरोध करने पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बातचीत करने वाले थे, लेकिन इस संबंध में कंपनी द्वारा एक ब्लॉग लिखा जाना एक असामान्य बात है। सरकार जल्द ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगी। क्या कू ऐप सरकार के आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है? इस मामले में ऐसा नहीं है कि इस ऐप की बात सिर्फ ट्विटर से विवाद के बाद शुरू हुई है। सरकार इसे पहले से ही बढ़ावा दे रही है। साल 2020 में भारत सरकार द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज में कू ऐप को विजेता घोषित किया गया था। पिछले साल मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कू ऐप का जिक्र किया था। मोदी ने कहा, एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का भी ऐप है, इसका नाम है कू, KOO। इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्या कू ऐप में लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं? केंद्र सरकार के मंत्रियों और सरकारी विभागों का समर्थन मिलने के चलते कू के यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर के बारे में अपना रुख बताने के लिए कू का इस्तेमाल किया है। मंत्रालय ने ट्विटर से कई भड़काऊ सामग्री को वापस लेने का आदेश दिया था, जिसका ट्विटर ने अभी पूरी तरह पालन नहीं किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पीयूष गोयल जैसे कुछ मंत्रियों ने लोगों से कू को अपनाने की अपील की है, जिसके चलते इसके यूजर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। क्या कू ऐप नागरिकों की निजता के साथ खिलवाड़ करता है, और क्या इसका चीन से भी कोई कनेक्शन है?
एक फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर के हवाले से ये जानकारी मिली है कि कू ऐप सेफ नहीं है और इससे यूजर्स के पर्सनल डेटा लीक हो रहे हैं। इनमें ईमेल आईडी, फोन नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ शामिल है। फ्रेंच साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर रॉबर्ट बेप्टिस्ट, जिन्हें उनके ट्विटर अकाउंट की वजह से इलर्ट एंडरसन नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कू पर रिसर्च कर पाया कि ये सेफ नहीं है। आपको बता दें, बेप्टिस्ट आधार सिस्टम में भी खामियां बताने को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। बहरहाल, डेटा लीक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कू ने कहा, यूजर्स अपना प्रोफाइल डेटा ऐप में इसलिए एंटर करते हैं ताकि उसे प्लेटफॉर्म में उसे दूसरों से शेयर कर सकें। वहीं पूरे प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले होता है, लेकिन ऐप पर डेटा लीक होने के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जब इसे केवल पब्लिक प्रोफाइल कहा जाता है जिसे यूजर्स देख सकते हैं। इसी तरह चाइनीज लिंक पर कंपनी ने जवाब देते हुए कहा, कू इंडियन फाउंडर्स के साथ एक इंडियन कंपनी होने और यहां रजिस्टर्ड होने पर गर्व महसूस करता है। कू की पेरेंट कंपनी बॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी में हालिया इन्वेस्टमेंट 314 कैपिटल के मोहनदास पाई का है, जो एक इंडियन इन्वेस्टर हैं। शुनवेई सिंगल डिजिट शेयर होल्डर है, जिसने यूजर्स के सवालों का जवाब भारतीय भाषाओं में देने वाले हमारे दूसरे स्टार्टअप वोकल में इन्वेस्ट किया था। अब शुनवेई हमारी कंपनी पूरी तरह छोड़ रहा है। सोशल मीडिया आज महज मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गया है, इसका नागरिकों से सीधा संबंध हो गया है। आए दिन उपभोक्ताओं के निजी डेटा सिक्योरिटी से संबंधित मामले हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कू अपने उपभोक्ताओं के निजी डेटा को सुरक्षित रख पाएगा या नहीं। इस सवाल का जवाब तो वक्त के साथ ही पता चलेगा।